साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विटामिन क्या है, विटामिन से संदर्भ में विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन क्या काम करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम विटामिन के संदर्भ में पूरा चैप्टर आज खत्म कर लेंगे कि विटामिन क्या चीज है, उसको कल जब पढ़ा था हमने उसके बारे में भी हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि विटामिन है, विटामिन की खोज की थी हिप्पोक्रेटस और फंक ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? फंक ने नाम दिया था हॉपिंग्स। किसने नाम दिया था इसका? खोज किसने की थी? हॉपिंग्स ने। हॉपिंग्स नाम दिया था ये सॉरी हॉपिंग्स ने खोज की थी और फंक ने नाम दिया था, ये तो आपने समझ लिया था। और घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? घुलनशील विटामिन ओनली दो ही है। घुलनशील विटामिन जल के दो ही है, एक तो होता है बी और एक सी। और जो वसा में घुलनशील होता है उसको बोलते हैं अडेक। वसा में जो घुलनशील होते हैं वो उसको बोलते हैं अडेक और जो जल में घुलनशील होते हैं उसको बीसी होते हैं। अब विटामिन ए क्या है, बी क्या है, विटामिन बी टू क्या है, विटामिन थ्री क्या है, ये सब इसके संदर्भ में हम पढ़ते हैं। अब विटामिन ए को अन्य नाम देते हैं रेटिनॉल। क्या नाम देते हैं? रेटिनॉल। अब रेटिनॉल का मतलब हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग के अंदर क्या होता है कि रात के समय दिखाई नहीं देता है। और इसका स्रोत क्या है? एप्पल है, हरी सब्जियां हैं, इसके स्रोत है। क्या है? हरी सब्जियां हैं, ये इसको स्रोत है। अब बी1 विटामिन बी के हैं 12 विटामिन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? बी के अंदर विटामिन बी के 12 तक हैं, लेकिन हमारे कोर्स में बी3 तक ही है इसलिए हम बी3 तक ही पढ़ेंगे। विटामिन बी1 जो होता है उसको बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। और इसके स्रोत हैं अंडा, मछली का तेल, इसके स्रोत है। और इससे होने वाली कमी यानी कि थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। इसके अंदर पेशियां कमजोर हो जाती हैं। अब बी2 के अंदर विटामिन बी2 जो होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफिनॉल। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिनॉल। और ये भी स्रोत वही है, अंडा, मछली का तेल, हरी सब्जियां। अगर मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी हो गई है और उसको उसका स्रोत कहां से प्राप्त करेंगे, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। हरी सब्जियां, अंडा, मछली का तेल, एप्पल, फल, फ्रूट्स, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सभी प्रकार के फल फ्रूट्स के अंदर विटामिन पाए जाते हैं। अब रेटिनॉल के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर त्वचा में पपड़िया जम जाती है, मोम की तरह पपड़िया जम जाती है। और इसके अंदर क्या हो जाता है? फटने लगते हैं होंठ। क्या होते हैं? फटने लगते हैं। उसी प्रकार से विटामिन बी थ्री है नियासिन। इसको क्या बोलते हैं? नियासिन। इसके स्रोत भी है सब्जियां, अंडा, मछली का तेल आदि। अब इसके होने वाला रोग कौन सा है? पेलेगा। पेलेगा रोग के अंदर क्या होता है कि होंठ पर पपड़िया जमने जाती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय यहाँ पे ये जो होटल रहते हैं उस पर पपड़िया जम जाती है। क्यों जम जाती है? ये इसके कारण विटामिन बी3 की कमी से। और वो रोग कौन सा कहलाता है? पहले का नाम रोग के अंदर क्या होता है? होंठ पर पपड़िया जम जाती है, होंठ सूख जाते हैं, ये जो होते हैं वो सूख जाते हैं जिससे पपड़िया जम जाती है। अब विटामिन सी को बोलते हैं एस्कार्पिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कार्पिक अम्ल। और ये जो होते हैं और भी यहाँ विटामिन सी है वो खट्टे पदार्थों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होता है विटामिन सी? ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। और इसके अंदर खट्टे पदार्थ में आप ले सकते हो नींबू ले सकते हो। उसके बाद क्या है? और इसके होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। इसके होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर क्या होता है कि दांतों के मसूड़ों के अंदर क्या होता है? खून निकलने लगता है। दांत जो होते हैं ये मसूड़ों से, हम जब मान लो हमने
कोई भी एप्पल खाया तो एप्पल खाने पर क्या हो जाता है, खून निकलने लगता है, तो वह रोग कौन सा हो गया है, स्कर्वी। उसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे दांत जो होते हैं वो खून के अंदर निकलने लगते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इस रोग का नाम स्कर्वी। और इसका स्रोत क्या है, खट्टे पदार्थ। क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ। अब विटामिन डी, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल। और इससे होने वाला रोग होता है, और ये जो प्राप्त होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और इससे होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स। अब रिकेट्स के अंदर क्या होता है, घुटने टेढ़े हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, घुटने टेढ़े हो जाते हैं। ये आमतौर पर बच्चों को होता है। रिकेट्स का मतलब जो होता है वो घुटने क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। यूं लिखते हैं यूं। और ई जो होता है उसको जो होता है टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, ई को विटामिन को टोकोफेरॉल बोलते हैं। और ये जो प्राप्त होता है मछली के तेल में प्राप्त होता है, मछली के तेल और हरी सब्जियां। और इससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं नपुंसकता, यानी कि मानव के अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता उसमें कम पाई जाती है। जिसके अंदर विटामिन ई की कमी रहती है उसके अंदर नपुंसकता आ जाती है, यानी कि बच्चे पैदा वह नहीं कर सकता। अगर उसको वह कमी है तो उसको हरी सब्जियां या विटामिन ई के युक्त जो गोलियां बाजार में मिलती हैं वो ले सकता है। और ये जो होता है, इस विटामिन ई को बोलते हैं सौंदर्य का विटामिन। विटामिन ई को वो क्या बोलते हैं, सौंदर्य का विटामिन बोलते हैं। क्योंकि अगर विटामिन ई के अंदर कमी होती है तो वह काला हो सकता है, उसके अंदर सौंदर्यता यानी कि उसके आंखों या उसके चेहरे पर बिल्कुल चमक नहीं रहती है, ये विटामिन ई की कमी से होता है। अब विटामिन ई की कमी को रोकने के लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए, मिर्ची का तेल पीना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। इसके अलावा बाजार के अंदर जो विटामिन ई की कमी, ये इसके स्रोत जो मिलते हैं वो आप गोलियां ले सकते हैं। अब विटामिन के, और आज का अंतिम विटामिन के जो होता है उसको बोलते हैं थियोक्विनोन। क्या बोलते हैं, थियोक्विनोन। और इसकी कमी से जो होता है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके अंदर कैसा होता है, जैसे कोई बच्चा या कोई भी मानव में यहाँ पे चोट लगी, या मुझे यहाँ पे चोट लगी और रक्त का बहाव है, रक्त का बहाव बहने पे हमारा जो एक रक्त का में थ्रोम्बिन नामक पदार्थ होता है वह इस रक्त के प्रभाव को कम करता है, रक्त के प्रभाव को कम करता है। और यहाँ पे एक प्रकार की चमड़ी जम जाती रहती है जिससे रक्त रुक जाता है। लेकिन ये अगर विटामिन के होगा, के की कमी हो जाएगी तो ये जो रक्त का थक्का बनता है यानी कि रक्त को रोकने के लिए जो चमड़ी जम जाने की जो प्रक्रिया होती है वह नहीं बन पाएगी और रक्त का अविरल बहना बह जाता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। साथियों आज के लिए इतना ही है, मैं फिर से वापस रिवाइज कर लेता हूँ। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, एनीमिया रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरीबेरी रोग। मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो आपको बेरीबेरी दिख रहा है, और विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा होगा तो पेलेग्रा नामक रोग बनता है, ये ध्यान रखना। और विटामिन डी से कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स, ई की कमी से नपुंसकता, और के की कमी से होता है रक्त का थक्का। इसके संदर्भ में हम कुछ आपको ये नोटबुक में नोट करना है, और साथ में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी आपको नोटबुक में आपको निकालना है, लिखना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये जो आज हमने पढ़ा उसी के संदर्भ में रहेगा। पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और तीसरा है नियामिन विटामिन को
किससे व्यक्त करते हैं? तथा इससे होने वाला रोग कौन सा है? चौथा प्रश्न, ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है? और अंतिम क्वेश्चन है, रोगी को रात के समय नहीं दिखता है तो उस रोग को क्या कहते हैं? तथा यह किसकी कमी से होता है? ठीक है, ये आपको नोटबुक में पहले वीडियो देखना, उसके बाद इस बिना वीडियो के आपको नोटबुक में ये इसके आंसर लिखने हैं। धन्यवाद, थैंक यू।